विकासखंड ताड़ी खेत में ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह रावत की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी आकाश कौडेन ने किया। मुख्य विकास अधिकारी आकाश कौडेन ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्याएं जल संस्थान, जल निगम, शिक्षा और स्वास्थ्य से आई हैं। बैड़ी पंपिंग योजना के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि थर्ड पार्टी जांच में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। रिपोर्ट को एक बार वरिष्ठ अधिकारी देखेंगे और अगर रिपोर्ट सही साबित हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम प्रधान लिहाड़ लच्छी राम ने बैड़ी पंपिंग योजना में हो रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैड़ी पंपिंग पेयजल योजना में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। थर्ड पार्टी की जांच रिपोर्ट में भी विफल होने के बाद भी विभागीय अधिकारी, सहायक अभियंता और जेई क्षेत्र में आकर पाइपों की नपाई कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में केवल 40 से 50 पाइप ही बिछाए गए हैं और वो भी खुले छोड़े गए हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, आज माननीय प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में बीटीसी की बैठक संपन्न की गई है और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जल संस्थान, जल निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा की आई है, जिसमें सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी कर दिया गया है कार्रवाई हेतु, और जो भी कार्रवाई करें हमारे विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी वो ज़रूर से ज़रूर जनप्रतिनिधि को भी बताएं। तो इस चीज़ के लिए सभी को आदेशित कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं उनके तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो चुका है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में कुछ अनियमितता दिखाई है, एक बार जो रिपोर्ट है वो स्तरीय अधिकारी द्वारा देख ली जाएगी और अगर वो रिपोर्ट सही पाई जाती है तो ज़रूर ज़रूर इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार सर, मैं बैड़ी पेयजल परियोजना के बारे में बात कर रहा हूँ। बैड़ी पेयजल योजना में काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई हैं, वहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी जांच कर दी है, थर्ड पार्टी ने भी उस कार्य को फेल करके रिपोर्ट अपनी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी विभागीय अधिकारी जेई और ए वहाँ पर आके क्षेत्र में आके पाइपों की नपाई कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में मात्र 40 से 50 पाइप केवल बिछा रखे हैं और वो भी ओपन है। टैंक इन्होंने टैंक का निर्माण करा, पेयजल टैंक का वो 25,000 लीटर का है, उसमें क्या करा उन्होंने फर्मे की जगह पर लपेटा चादर से उसको बना दिया, जिसमें टैंक के प्रद कहीं पर 2 इंच, कहीं पर 4 इंच, कहीं पर 10 इंच तक गई हुई है। इसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। मैं विभाग से यही है कि अगर ये आए, जब मैंने इनसे पूछा कि आप विभाग आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, तो विभाग वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डिजाइन और ड्राइंग नहीं था, ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से इस काम को कर रखा है, जबकि विभाग खुद अपने कार्यों की जांच कर रहा है और खुद ही उसको रिजेक्ट कर रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आया कि इस योजना में विभागीय अधिकारी भी संलिप्त हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, भ्रष्ट अधिकारी का यहाँ से पुष्टि होना चाहिए और